क्या आपने कभी किसी की प्रोफाइल फोटो को देखकर बोला है कि काश ये फोटो मेरी होती, या काश मेरी जिंदगी उनकी जिंदगी जैसी होती? तो आप सेवन डेडली सिंस में से एक गुनाह के मुजरिम हो। तो हमारा आज का सवाल है कि सेवन डेडली सिंस क्या है? तो हम इस बारे में अभी शुरू करने वाले हैं, और सेवन डेडली सिंस के नाम ये हैं। Envy, wrath, gluttony, pride, lust, sloth, and greed. और ये गुनाह उन लोगों को पहचानने के लिए होते हैं जो ये गुनाह का शिकार होते हैं या इस के मतलब मुजरिम होते हैं इन चीजों के। तो ये कैथलिक्स और क्रिश्चियंस लोग इस्तेमाल करते हैं सेवन डेडली सिंस के नाम से, ये मशहूर हैं बहुत ज्यादा। और ये उनको समझाने के लिए कि वो एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं ताकि उनको गिल्टी फील हो, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे एनवी से कि एनवी क्या है। एनवी ये है कि अगर आप किसी क्वालिटी को अपना बनाना चाहते हो जो कि किसी और की है, एक मिसाल दूसरे लफ्जों में कि अगर आप किसी फोटो को देख रहे हो फेसबुक पे अपने दोस्त की लगा लो, तो आप सोच रहे हो कि यार इनकी लाइफ कितनी जबरदस्त है, मेरे से कितने क्यूट लग रहे हैं ये आपस में, काश मेरी लाइफ इनसे होती है, मुझे नफरत है कि उनकी लाइफ मेरी लाइफ से अच्छी है। लेकिन आपको पता है क्या, मुझे सच में उनसे नफरत है। और आपका ये नफरत वाला मतलब जो है ये अंदर ही अंदर सच होता है कहीं पे बना देता है। एनवी मेक्स यू अ हेटर। रैथ, रैथ एक दूसरे लफ्जों में ये है कि अगर आपको कोई जानने वाला है जो आपकी कार के ऊपर स्क्रैचेस लगा देता है चाबी से या कुछ, और आपको अंदर से जो फीलिंग आती है कि मुझे उसकी गाड़ी को भी तोड़ना है, बदले में उसका नुकसान करना है, या फिर आप उसकी गाड़ी को तबाह करना चाहते हो या आग पे देखना चाहते हो, तो ये रैथ है। चलो चलते हैं ग्लटनी पे। ग्लटनी है कि बुरे तरीके से खाना या फिर हमेशा किसी चीज की भूख रखना, ग्लटनी कहलाता है। तो इसकी आसान लफ्जों में ये मिसाल है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ किधर बाहर जाते हो खाने पे, तो आप खाते हो उनके साथ खाना, खाते हो आप, एक बार खाते हो, दो बार खाते हो जबकि वो रुक जाते हैं, और आप आइसक्रीम खाते हो बाद में, कितना कुछ आपके पास मेन्यू में होता है, आप आइसक्रीम लेते हो और बाद में पिज्जा लोगे, आप क्यों नहीं लोगे क्योंकि वो इतना जबरदस्त होता है। तो ये अग्रेसिव ईटिंग होती है। और ये सिंस दो सिंस का कॉम्बिनेशन है, एक ग्लटनी और दूसरा ग्रीड, तो जिसको ये मिक्स करके ये बहुत सुपर डुपर बड़ा गुनाह बना देते हैं। ग्लटनी आपको हमेशा किसी चीज की भूख देता रहता है कि मुझे ये चाहिए। हेलो, हाँ मैं 3 दिन से सो रहा हूँ, उधर वो फोन मुझे सबसे पहले चाहिए। हाँ हाँ, जो मेरे पास है बिल्कुल सही जा रहा है। नहीं नहीं, मुझे फिर भी वो फोन लेना है, मुझे नहीं पता, मैं वो पहला बंदा होना चाहता हूँ जिसके पास वो फोन। प्राइड, हम किसी हिस्सेदारों की बात नहीं कर रहे हैं या जो किसी कंपटीशन में शामिल हैं, या ये वो चीज नहीं है जो बहुत ही अंदर हमको खुद लगता है कि हमने अच्छा किया या मैं इसके अंदर गुड था, अच्छा था। ये वो है कि तुम ये नहीं कर सकते, मैं ही हूँ, मी मी मी, मैं इससे बेहतर हूँ, तुमसे बेहतर हूँ। आई तुम्हें समझ? लास्ट, हमेशा किसी चीज को पाने के लिए अपने दिमाग में टेंशन रखना या ऐसी चीज की तलब रखना जो सिर्फ आपको मजा देती है और बहुत ज्यादा मजा आता है आपको उसको हासिल करने के बाद, या आपको बहुत ही मुश्किलों में डाल सकती है, जैसे कि रिश्तेदारों से लड़ाई वगैरह हो जाना, या मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स, दूसरा कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस पैदा कर देना जो कि कभी पूरी हो ही नहीं सकती। स्लॉथ, दूसरे लफ्जों में लेजीनेस से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसका मसले साफ जाहिर नजर आ रहे हैं कि आपका टाइम गुजरता जाएगा, आप कोई चीज अकॉम्प्लिश नहीं करोगे, आप कोई स्किल्स हासिल नहीं कर सकोगे, और फिर आप कहाँ पे एंड होते हो, जब आप दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करने लग जाते हो और दूसरे लोग भी आपकी मदद नहीं करते क्योंकि ये आपकी अपनी चॉइस होती है, लेजीनेस। ग्रीड, ग्रीड एक सेल्फिश और एक्सेसिव डिजायर है जो कि आपको हमेशा, जिसके अंदर आपको सिर्फ अपनी पड़ी होती है और दूसरों को कुछ नहीं दिख रहा होता। इसको हम रियलिटी में कैसे देखेंगे कि जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप उसको खुद ही सेल करते हो और आपको उसके से पैसे मिलते हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट कौन सा सेल कर रहे हो जो कि बहुत ही सस्ता है और उसके अंदर आपको ज्यादा मुनाफा हो रहा है और आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से, उस प्रोडक्ट की वजह से दूसरों की जिंदगी भी डेंजर में है और जो आपके पास काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा बन सकता है, लेकिन आपको पैसे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए?
लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रह सकें।